हेलो, मैं विनोद कुमार यादव, जीपीसी अलवर, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर, ऑल ब्रांचेस सेमेस्टर फर्स्ट के सब्जेक्ट अप्लाइड फिजिक्स कोड 1002 के यूनिट 3 रोटेशनल मोशन के टॉपिक डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन, इसको पढ़ने जा रहे हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कि कोणीय विस्थापन क्या होता है, वर्ताकार गति के अंदर कोणीय विस्थापन क्या होता है, वर्ताकार गति क्या होती है, वर्ताकार गति और रेखीय गति में क्या अंतर है। तो ये पहला टॉपिक है इस यूनिट का, रोटेशनल मोशन का, तो उसको हम स्टडी करेंगे। तो इसमें जैसे एक क्वेश्चन बना के हमने समझाया है, वर्ताकार गति को समझाइए, वह कोणीय विस्थापन की परिभाषा दीजिए। तो इसको हम थोड़ा इंट्रोडक्शन टाइप में लेकर के समझाएंगे कि गति तीन प्रकार की होती है, स्थानांतरण गति ट्रांसलेशनल मोशन, घूर्णन गति रोटेशनल मोशन, दोलन गति ऑसिलेटरी मोशन। तो ये तीन प्रकार की गति होती है। गति क्या होती है? जब भी कोई वस्तु किसी निर्देश बिंदु एक निश्चित बिंदु के सापेक्ष उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है, स्थिर नहीं रहती है, तो वो गतिशील कहलाती है, वस्तु गति कर रही है, ये कहा जाता है। तो ये तीन प्रकार की गति को हम देखते हैं, स्थानांतरण गति, दूसरा है घूर्णन गति, तीसरा है दोलन गति। तो सबसे पहले इसमें है स्थानांतरण गति, ट्रांसलेटरी मोशन। जब कोई वस्तु या पिंड एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करता है, मूव करता है, स्थान में परिवर्तन करता है, तो उसकी गति स्थानांतरण गति कहलाती है। जैसे सड़क पर कार की गति, सड़क पर कोई कार चल रही होती है, ट्रेन चल रही होती है, बस चल रही होती है, तो उसकी जो गति है वो स्थानांतरण गति। इसी तरह से पक्षी का उड़ना, रेलगाड़ी की गति, चींटियों का चलना, तो ये सभी उदाहरण स्थानांतरण गति के हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन करते हैं, स्थान परिवर्तन करते हैं, इसलिए स्थानांतरण गति कहलाती है। स्थानांतरण गति भी तीन तरह की होती है, एकविमीय स्थानांतरण गति, द्विविमीय व त्रिविमीय। एक ही सीधी रेखा पर चलता था एकविमीय। अगर किसी समतल में टेढ़ी मेढ़ी गति होती है तो द्विविमीय गति, और हवा में उड़ता है तो तीनों एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट निर्देशांक परिवर्तित होते हैं, उसे त्रिविमीय गति कहते हैं। दूसरा है हमारे पास घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। तो जब कोई वस्तु एक निश्चित लाइन के अबाउट अक्ष के रेखा के चारों ओर घूमती है तो उसकी गति घूर्णन गति कहलाती है। जैसे पंखे का घूमना, तो जिस रोड से हमने पंखों को लटका रखा है उसके अबाउट, उसके चारों ओर ये पंखुड़ियाँ घूमती हैं। तो ये जो अपने पास एग्जाम्पल है वो है बिजली के पंखे की गति, कुमार के चाक की गति, इसी तरह से घड़ी की सुई जो है, सेकंड की सुई, मिनट की सुई, घंटे वाली सुई, तो वो सब घूमती हैं, तो वो घूर्णन गति, वर्ताकार गति, एक वर्त पर घूम रही हैं गति कहलाती है। तो इसमें वर्तीय गति, सर्कुलर मोशन इसी में ही है। वर्तीय गति में भी घूर्णन गति होती है। जब कोई वस्तु, या वर्तीय गति भी घूर्णन गति ही होती है, जब कोई वस्तु वर्ताकार पथ पर घूमती है, सर्कुलर पाथ पर मूव करती है, सर्कुलर पथ पर घूमती है, तो उसकी गति
वर्ताकार गति कहलाती है। सर्कुलर मोशन, सर्कल पर मोशन, जैसे घड़ी की सुई का घूमना, वही पंखे की गति का, पंखे की गति। तो ये मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन है, रेखा है, और ये कोई एम द्रव्यमान का कण है, पार्टिकल है, वो आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर घूम रहा है। तो ये जो गति है ये हमारे पास वर्ताकार गति कहलाती है। तीसरा है हमारे पास दोलन गति, ऑसिलेटरी मोशन। जब कोई वस्तु एक बिंदु के दोनों ओर टू एंड फ्रो मोशन करती है, इर्द गिर्द कंपन करती है, तो वो दोलन गति कहलाती है। दोलन करती है कोई वस्तु एक निश्चित समय बाद, वह एक निश्चित समय बाद अपने पथ को दोहराती है। तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं, ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। जैसे घड़ी के, पेंडुलम के दोलन, सरल लोलक की गति। तो इसमें एक निश्चित बिंदु होता है, उसके दोनों ओर वस्तु गति करती है, कंपन करती है। जैसे सिंपल पेंडुलम हमने दिखाया है, ये है हमारे पास सिंपल पेंडुलम, धागे से बंधा हुआ एक गेंद है और वो इस माध्य स्थिति के दोनों ओर टू एंड फ्रो मोशन करती है। तो ये दोलनी गति है, ऑसिलेटरी मोशन है। अब हम हमारे पॉइंट पर आते हैं, वर्ताकार गति या घूर्णन गति की बात करेंगे हम। तो घूर्णन गति या वर्ताकार गति की विशेषताएं क्या हैं? तो घूर्णन गति में पिंड या वस्तु के सभी कण अलग अलग वर्ताकार पथों में घूमते हैं, गति करते हैं। जैसे ये हमारे पास है कोई वस्तु पिंड, और इसके अंदर इसका M1 कण दिखाया है, ये M2 कण है, ये M3 कण है, ये Mn कण है, Nवा कण का द्रव्यमान है Mn। तो प्रथम कण M1 द्रव्यमान के कण की इस घूर्णन X से लाइन से जो दूरी है वो R1, M2 कण की दूरी है R2, इसी तरह से Mn कण की दूरी है Rn। तो सभी कण अलग अलग त्रिज्या के वर्ताकार पथों पर चक्कर लगाते हैं। तो इस तरह की जो गति होती है वो वर्ताकार गति, घूर्णन गति कहलाती है। तो इसमें सभी कण अलग अलग वर्ताकार पथों में एक निश्चित तल पर गति करते हैं, जिनके केंद्र तल के लंबवत, इनके जो सेंटर ऑफ पॉइंट हैं, ये अपने पास केंद्र जो हमारे पास हैं, ये इस तल के लंबवत, जिस प्लेन में है उसके लंबवत घूर्णन अक्ष पर स्थित होते हैं। दूसरा हमारे पास है इसमें पॉइंट कि जो घूर्णन अक्ष पर स्थित कण हैं, घूर्णन अक्ष पर स्थित कण विरामावस्था में होते हैं, क्योंकि घूर्णन अक्ष पर स्थित कण घूमने के लिए त्रिज्या चाहिए, दूरी नियार बराबर जीरो, तो वो नहीं घूमेंगे, वो विरामावस्था में रहते हैं। तीसरा है जो कण घूर्णन एक्स के पास होते हैं, नज़दीक होते हैं, यानी जिनकी त्रिज्या कम होती है, उनके वर्ताकार पथ की त्रिज्या कम, और जो कण घूर्णन एक्स से दूर स्थित होते हैं उनके वर्तीय पथ की त्रिज्या अधिक होती है। और चौथा पॉइंट है घूर्णन गति वर्ताकार पथ पर गति द्विमीय गति है, टू डायमेंशनल मोशन है, यानी एक्स और वाई कोऑर्डिनेट या वाई और जेड कोऑर्डिनेट, कोई भी दो निर्देशांक इसके अंदर शामिल होते हैं, दो निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, इसलिए द्विमीय, दो विमाएं होती हैं इसके अंदर, द्विमीय गति कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास घूर्णन गति में सभी कण अपना वर्त्य पथ समान समय में पूरा करते हैं, यानी सभी कण एक ही टाइम पर पूरा चक्कर लगा के आ जाते हैं। अगला है घूर्णन गति में अलग अलग कण निश्चित समय अंतराल में भिन्न भिन्न रेखीय दूरी तय करते हैं, क्योंकि जो ज़्यादा दूर है वो ज़्यादा लंबा पथ तय करके आएगा, ज़्यादा रेखीय दूरी तय करेगा, और नज़दीक है वो कम दूरी तय करेगा, लेकिन कोणीय विस्थापन सबका समान है, पूरा 360 डिग्री एक चक्कर पूरा समान समय में करते हैं।
घूर्णन गति में पिंड के सभी कणों का कोणीय वेग समान परंतु रेखीय वेग अलग अलग होता है। कोण समान तय करने समान समय में, इसलिए कोणीय वेग जो होता है कोण बटा समय, कोणीय वेग तो समान होगा लेकिन ज़्यादा दूरी तय करते हैं उनका रेखीय वेग अलग, कम दूरी तय करते हैं उसी समय में उनका रेखीय वेग अलग होता है। तो घूर्णन गति में कणों का रेखीय वेग घूर्णन एक से दूरी के समानुपाती है, यानी ज़्यादा दूर स्थित कण है बड़ी त्रिज्या के पथ पर घूम रहा उसका वेग ज़्यादा और कम त्रिज्या के पथ पर घूम रहा उसका वेग कम होता है। तो ये समझने की बातें थी कुछ। इसके बाद हम हमारे टॉपिक पर आते हैं, कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। कोणीय विस्थापन की परिभाषा दीजिए, डेफिनेशन ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो इसके लिए ये हमने चित्र बनाया है कि वृत्त पर कोई कण घूम रहा है और वो ए से बी तक जाता है, आर त्रिज्या का ये वृत्त है, इसकी त्रिज्या आर है, आर त्रिज्या के वृत्ताकार पथ पर कोई कण घूम रहा है तो बिंदु ए से बी तक जाता है। तो चाप जो तय करता है उसकी लंबाई मान लीजिए एल है या एस है, तो निश्चित अक्ष के सापेक्ष निश्चित समांतराल में किसी कण की कोणीय स्थिति में परिवर्तन को उसका कोणीय विस्थापन कहते हैं। तो ए से बी तक जाने में कुल कितना कोण तय किया गया, तो ये हमारे पास जो है ए ओ पी कोण तो है थीटा वन और बी ओ पी जो कोण है वो थीटा टू, तो दोनों कोणों का जो अंतर है वो ए से बी के बीच का कोण ए ओ बी बराबर डेल्टा थीटा कोणीय विस्थापन कहलाता है। कोणीय विस्थापन यानी तय किया गया कोण है, निश्चित समांतराल में तय किया गया कोण कोणीय विस्थापन कहलाता है। दूसरे शब्दों में किसी कण द्वारा तय किया गया कोण उसका कोणीय विस्थापन कहलाता है। माना टी वन समय पर कण की स्थिति कोणीय स्थिति थीटा वन है, बिंदु ए पर है, वह टी टू समय पर बी बिंदु पर पहुंच जाता है तो उस टाइम कोणीय विस्थापन इस निर्देश रेखा ओ पी से कोणीय विस्थापन थीटा टू है, अतः कोणीय विस्थापन डेल्टा टी समांतराल में इस समांतराल में डेल्टा थीटा बराबर थीटा टू माइनस थीटा वन बराबर एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी जो हमारे पास है वो कोणीय विस्थापन है। तो कोणीय विस्थापन जो हमारे पास है उसका मात्रक है रेडियन, आर ए डी आई एन, और इसका सिंबल है आर ए डी रेड, रेडियन को आर ए डी से दर्शाते हैं। कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है क्योंकि जब क्लॉकवाइज दिशा में मापा जाता है एंगल तो वो हमारे पास नेगेटिव साइन के साथ आता है, जबकि एंटी क्लॉकवाइज अगर हम कोई कोण मापेंगे तो वो पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है, तो इसलिए कोणीय विस्थापन एक सदिश राशि है। अब हम जानते हैं कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, वृत्त की सतह के ऊपर मतलब कि परिधि के ऊपर कितना दूरी तय किया गया वो चाप कहलाती है, चाप बटा त्रिज्या तो वो कोण कहलाता है। अतः कोण या कोणीय विस्थापन ऊपर भी मीटर में लंबाई और नीचे जो है चाप की लंबाई मीटर में, नीचे त्रिज्या भी मीटर में, तो इसका ये विमाहीन राशि है, इसकी कोई विमा नहीं होती है। कोण या कोणीय विस्थापन एम जीरो एल जीरो टी जीरो विमाहीन राशि है। अगर संपूर्ण परिधि वृत्त की संपूर्ण परिधि द्वारा कोण बनाया जाए तो वो पूरा कोण 360 डिग्री बनेगा, संपूर्ण परिधि यानी 2 पाई आर परिधि के द्वारा वृत्त के केंद्र पर कोण बनाया जाए तो वो 360 डिग्री होगा। तो थीटा की जगह तो हम रख देंगे 360 और चाप की जगह रख देंगे 2 पाई आर और त्रिज्या आर है, आर से आर कट जाएगा तो 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन। तो ये डिग्री और रेडियन में रिलेशन है, 360 डिग्री बराबर 2 पाई रेडियन या पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री, एक डिग्री का मान निकालना है तो पाई बटा 180 रेडियन। तो डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं और रेडियन को डिग्री में बदल सकते हैं, एक रेडियन का मान निकालना है तो 180 बटा पाई, तो डिग्री को रेडियन में, रेडियन को डिग्री में हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्मूले की सहायता से, जो कि हम कुछ एग्जाम्पल से देखेंगे। नोट, रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए पाई की जगह 180 रख देते हैं, जहाँ भी पाई हो तो उसकी जगह हम 180 रख देंगे तो वो डिग्री में बदल जाएगा।
अब इसका एग्जांपल देखिए, निम्न कोणीय विस्थापनों को रेडियन में बदलिए, रेडियन में लिखिए, 90 डिग्री है, जब 1 डिग्री बराबर है पाई बटा 180, 360 डिग्री बराबर 2 पाई, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, तो 90 डिग्री बराबर कितना, तो गुणा 90 गुणा पाई बटा 100, एक एक नियम है ये, 1 डिग्री बराबर पाई बटा 180 रेडियन, तो 2 डिग्री बराबर गुणा 2, 3 डिग्री बराबर गुणा 3, 90 डिग्री बराबर गुणा 90, 90 गुणा पाई बटा 180, तो इसको सोल्व करेंगे तो 0 0 कट गया, 9 2 18 पाई बाई 2 रेडियन। इसी प्रकार 120 डिग्री को रेडियन में बदलिए, 120 डिग्री को रेडियन में बदलेंगे तो 120 गुणा पाई बटा 180, तो 0 से 0 कट गया, 6 2 12 6 3 18 2 पाई बाई 3 रेडियन, 2 पाई बटा 3 रेडियन। 270 डिग्री को रेडियन बदलना है तो 270 गुणा पाई बटा 180, तो 3 पाई बाई 2 रेडियन। इसी तरह से 360 डिग्री को अगर रेडियन बदलना है तो पाई बटा 180, 0 से 0 कट गया, 18 2 36, तो ये 2 पाई रेडियन आ जाएगा। तो ये रेडियन को डिग्री में, डिग्री को रेडियन में बदल सकते हैं। तो ये था कोणीय विस्थापन, उससे संबंधित कुछ सवाल, परिभाषा। धन्यवाद।